नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम एम्स नई दिल्ली का जो नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर के डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ बताएंगे कि कितनी क्या वैकेंसी निकाली है इन्होंने और क्या रूल रहने वाले हैं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। इसको शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नर्सिंग वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, बिना कोई देर के शुरू करता हूँ। एम्स नई दिल्ली का ये एक नोटिफिकेशन है जो अखबार की एक कटिंग से लिया है मैंने। इसमें देख सकते हैं कि नॉर्सेट 2020, ये जो नर्सिंग ऑफिसर्स की एग्ज़ाम होती है उसका नया नाम इन्होंने निकाल दिया है, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका आज का ही नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्सेट 2020 के लिए नर्सिंग ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए लेवल 7 में पे मैट्रिक्स में पूर्व संशोधित पे बैंड 2 के रुपये 9300 से 34800 के ग्रेड पे और 4600 के लिए साथ आमंत्रित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये वो की वही चीज़ है, यही पहले वालों को मिलता था, वही अभी को आपको मिल रहा है, बस एग्ज़ाम का नाम चेंज किया है इन्होंने। इसके साथ आप देख सकते हैं एम्स नई दिल्ली और सभी नए एम्स के लिए ग्रुप बी संबंधित एम्स में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार विज्ञापन की तिथि के अनुसार इस विज्ञापन में टेंटेटिव अधिसूचित रिक्तियों का उल्लेख किया गया है और वे बदल भी सकते हैं। मीन्स इन्होंने जो वैकेंसी की लिस्ट निकाली है वो बदल भी सकती है, ये बोल रहे हैं। आप इसका वेबसाइट पे जाकर के विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। अभी तक मैंने चेक किया, अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्या क्या योग्यता रहने वाली है, वही पहले की तरह है कि बीएससी नर्सिंग है या फिर आप पोस्ट बेसिक किए हैं, और इसके साथ साथ आपका INC या फिर जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब है। दूसरा है कि यदि आप GNM किए हुए हैं, ठीक है, तो आपको कम से कम 50 बेड का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये सब इसमें लिखा हुआ है। 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, यह मैं बता दूं आपको। इसके बाद में आयु सीमा आपकी 18 से 30 वर्ष के बीच के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो छूट दी जाती है वो दिया उसमें शर्त जो डाली गई है उसमें देख सकते हैं आप। और इसके अलावा सभी आयु को आवेदन पत्र के समापन की तिथि के अनुसार गिना जाएगा, मीन्स जो लास्ट डेट है इसकी उस तक गिना जाएगा। आपको जो वैकेंसी की लिस्ट देखनी है वो आप www.emsexams.org पर जा कर के डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो OBC और जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है वो 1500 रुपये देगा। उसके अलावा जो SC ST के हैं और EWS है उनको 1200 रुपये देने होंगे। विकलांग व्यक्ति है उनको कुछ भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, ये इन्होंने इसमें लिखा है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 18 अगस्त 2020 को शाम 5 बजे तक आप दे सकते हैं। आपको जो भी पात्रता और जो मानदंड देखने हैं वो आप इसकी वेबसाइट है जो उस पर जा करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी में हम जल्द ही इससे रिलेटेड बड़ा बिग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और कितनी क्या वैकेंसी वो सब हम दिखाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।